हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज वीडियो में तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास में एलईडी पैनल होते हैं इसको किस तरह से रिपेयर किए जाते हैं, यह मैं भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि एलईडी पैनल को किस तरह से रिपेयर करते हैं। मेरे पास में ये दो डैमेज वाले एलईडी पैनल है जो कि पैनल ये बंद है और इसको नया वाला अडाप्टर लगाने के बाद भी ये चालू नहीं हो रहा। तो इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं ये मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास नया वाला अडाप्टर है जो कि आप देख सकते हैं कि मैं नया वाला अडाप्टर मार्केट से परचेस करके लाया हूँ। ये 100 रुपये का एक अडाप्टर मुझे मिल गया, यूनिवर्सल अडाप्टर है ये। तो ठीक है, मैं अभी आपको इसे दिखा देता हूँ। मैंने ये एक अडाप्टर यहाँ पर लगाया हुआ है तो ये पैनल मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। पहले अगर चालू नहीं होता तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिपेयर करना है। तो ठीक है, मैं ये देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस जोड़ दिया और माइनस का माइनस जोड़ दिया। मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैं इसको यहाँ पे स्विच बोर्ड में इसको लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस आयरन को गर्म करने के लिए रख दिया है, ठीक है, तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस पैनल को ओपन करते हैं। ठीक है, और मेरे पास में दूसरा पैनल है तो उसको भी मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से निकाल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तब मैं अभी क्या करूँगा, ये दूसरे पैनल को यह लगा दूँगा। ये मैंने यहाँ इसको लगा दिया, अभी मैं इसको भी ऑन करके देखता हूँ और ये पैनल चालू होता है कि, अगर ये भी पैनल चालू नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो आप इसका जैसे कनेक्शन है उस तरह के वायर यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। आपको ये पोलैरिटी सेम रखना है, ये पोलैरिटी को आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने ये निगेटिव जोड़ दिया यहाँ पे, तो मैंने ये निगेटिव जोड़ दिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता, इसको यहाँ पर स्विच बोर्ड में ये वायर लगा देता हूँ, देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं होता है। ये देखिए, ये भी पैनल चालू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये भी पैनल हमारा ख़राब है। तो ठीक है, हम वन बाय वन इस पैनल को हम रिपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे टेप लगा देते हैं, फिर हम पैनल को ओपन करते हैं, फिर आपको आज दिखा देते हैं कि उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेप लगा के रख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे अभी टेप लगा दिए हैं, तो अभी हम ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी वन बाय वन दोनों पैनल को ओपन करेंगे और उसको हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अलग साइड पर रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोई भी पैनल लूँगा और उसको मैं ओपन कर दूँगा। ये देखिए, यहाँ पे चार स्क्रू रहते हैं, तो आपको ये चारों स्क्रू को ओपन करना है। ये देखिए, हमने अभी इसके स्क्रू ओपन कर दिए हैं। अरे, एक स्क्रू ओपन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पैनल को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर वो स्क्रू ओपन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उठा देंगे, निकल जाएगा। ये चार स्क्रू लगे, तीन स्क्रू लगेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इसके अंदर में LED है। तो अभी आपको ये देखना है कि इसके अंदर में जो LED है वो ख़राब कौन सी LED हुई है, तो आपको वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा D5 और D10 LED हमारे यहाँ पे ख़राब है, यानी कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको प्लायर लेना है या फिर आपके पास नोज प्लायर होगा उसको, तो आप क्या करना है, इस तरह से पकड़िए उसको। ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे उसको, इसको ये देखिए, ये LED टूट गई। ठीक है, और इसी तरह से उसके बाजू वाले भी हमको सेम करना है। ठीक है, ये हमने तोड़ दिया दोनों के दोनों LED। ठीक है, ये देखिए, हमने इसको क्या कर दिया, ये LED को तोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको रिशोल्डर करेंगे।
इसको शोल्डर करेंगे अभी। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ आयरन गर्म करने के लिए रखा हुआ है हमने, तो हम अभी इसको शोल्डर कर देंगे। फिर आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ मैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। हमारा आयरन गर्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अभी इसको यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। देखिए इसको हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट है यहाँ पे, दो पॉइंट उसको हमें शोल्डर करके रख देना है। ठीक है, यानी कि हमारी जितने भी एलईडी सीरीज यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, ये हमारी एलईडी सीरीज में लगी हुई है। यानी कि अगर सीरीज में से कोई भी एक भी एलईडी ख़राब होती है तो हमारा पूरा पैनल बंद होता है। ठीक है, हमारा पूरा पैनल बंद हो जाता है अगर कोई भी एलईडी इस पर ख़राब हुई तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर हो चुका है, तो इसको और आपको अच्छे से शोल्डर कर देना है। ये देखिए हमारा ये शोल्डर हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाजू वाला है इसको भी उसी तरह से शोल्डर कर देंगे। ये देखिए हमारा ये भी शॉर्ट हो गया, तो अब इसको और अच्छे से और एक बार अच्छे से इसको शोल्डर कर देंगे। देखिए हमारा ये भी शोल्डर हो गया और ये भी शोल्डर हो गया, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको चालू करके देख लेते हैं हमारा पैनल चालू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर हम और ट्रबल शूट करेंगे, और कि मैं इसको अनजूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे वायर लगा देते हैं। ये देखिए हमारा ये लाइट चालू हो चुका है। ठीक है, हमने इसी पैनल को रिपेयर किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये दो हमारी दो एलईडी थी ये ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, काली काली पड़ गई थी यानी ब्लैकिस्ट हो गई थी, तो हमने क्या किया, इसको एक एलईडी निकाल के यहाँ से निकाल के इसको हमने शॉर्ट कर दिया आपस में। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पर भी लगा रहे, तो ये एलईडी चालू हो जा रही है। ठीक है,
ये देखिए ये हमारी एलईडी चालू हो गई, ठीक है। तो हमारी ये वाली एलईडी तो चालू हो गई है अभी, तो हम क्या करेंगे इसको पूरी तरह से पैक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाइट स्क्रीन रहती है, तो ये इसको लगा देंगे और ये जैसा था वैसा ही इसको पैक करके रख देंगे। तो ये अडाप्टर हम निकाल देते हैं, इस अडाप्टर का कुछ काम है नहीं अभी। तो अभी हमारा मतलब ये पैनल हमारा रिपेयर हो गया, तो अभी बचा है हमारा दूसरा पैनल, तो हम उसको भी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हम इसको अब लगा देंगे, ये देखिए हमने ये इस पैनल को लगा दिया है। आपको जैसे कि देख सकते होगे कि हमने यहाँ से तोड़ा था पैनल को, ठीक है, जो स्क्रू नहीं निकल रहा था जहाँ से तोड़ा था, ये वही वाला पैनल है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं अभी दोबारा ये लगा के देखते हैं, दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए ये हमारा पैनल चालू हो चुका है, ठीक है। जब आपको सभी पैनल में सेम प्रॉब्लम रहती है कि चालू नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, जो भी एलईडी ख़राब होगी उसको आप तोड़ दीजिए और उसको शॉर्ट कर दीजिए आयरन से, ठीक है, डार्क मार्कर, ठीक है। हमारा ये पैनल तो रेडी हो गया है, मैं अभी दूसरा पैनल रिपेयर करता हूँ, तो आपको समझ गया होगा कि पैनल को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।